बसमीम नाजीन अल्लाम आप देख रहे हैं वाश टाइम्स नाजीन आज नूर मुकदम कतल केस की समात इस्लाम आबाद के एडिशनल सेशन जज अतार अबानी ने की दुरान समात मुलज़मान के वला प्रोसिक्यूटर और मदई मुकदमा उनके वकील अदालत में पेश हुए ताहम जो गिरफ्तार चार मुलमान हैं उनको अदालत में पेश नहीं किया गया ज़ाहिर जाकर जाफ़र की वालदा असमत आदम जी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत हुई थी वो अदालत में पेश हुई इसके अलावा एक मुलाजिम है जाफर हाउस का जमील वो भी अदालत में पेश हुआ जबकि थ्रापी वर्स के छः जो मुलाजमन थे जो ज़मानत पर रहा हुए थे वो भी कमरा अदालत में पेश हुए ताहम जो मरकजी मुलजम है ज़ायर जकर जाफ़र उसके ज़कर जाफ़र एक जान मोहम्मद जो माली है और इसके अलावा एक और जो मुलज़म है उसको अदालत इस वजह से पेश ना किया जा सका कि रास्तों की बंदिश के बायस और एहतजाजी धरने जो जारी थे इस वजह से गिरफ्तार जो छः मुल मुल्जुमा, चार मुलजमान हैं उनको वीडियो लिंक के ज़रिए कमरा अदालत में पेश किया गया जब समाज शुरू हुई तो जो मुलजम मुलजमान के वकला थे उन्होंने इतराज़ किया कि वीडियो लिंक के ज़रिए हम गुआहान पर जिरा कैसे करें ताहम अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से एक जजमेंट भी मौजूद है आप तैयारी करके आएँ आपने अगर तारीख़ लेनी है तो सीधी तरह बताएं कि तारीख चाहिए घुमा फिरा कर बातें ना करें जिस पर मुल्ज़ान के वला ने यह कहा कि हम तो तैयारी करके आएँ हम जरा भी करने के लिए तैयार हैं इसी दौरान जो अदालत ने तलब किए तीन गुहान थे उनको अदालत में पेश किया गया सबसे पहले आपको नाजरीन एक और अहम जो डेवलपमेंट आज इस केस में हुई है कि जो मरकजी मुलजम के वाल हैं जाकर जाफ़र उन्होंने अपना वकील चेंज कर दिया है राजा रिजवान अब्बासी इससे पहले पेश हुए होते थे लेकिन आज जो जाकर जाफर के वालिद हैं जाकर जाफर के जो वकील हैं बशरतल्ला वो कमरा अदालत में पेश हुए जो तीन वकला थे उनके ऊपर आज जिरा हुई थी सबसे पहले जो गोवा था कांस्टेबल आबद लतीफ़ इसके ऊपर जिरा की गई ये आबद लतीफ़ वो पुलिस एहलकार है जो जय वकूबा से इस्तगासा लेकर थाने गया था इसके ऊपर जिरा की गई इसके अलावा एस आई बिशारत रहमान और खातून कांस्टेबल अक्सा रानी का बयान मुकम्मल हुआ उसके ऊपर वकला जो थे मुलजमान के उन्होंने जिरा मकम्मल की तकरीबन दो घंटे तक ये जिरा चलती रही और जो कांस्टेबल है खातून कांस्टेबल अक्सा रानी वो एक अहम विटनेस थी इस केस में क्योंकि डेड बॉडी का मुलायजा इसी खातून ने किया था उसको पोली क्लिनिक अस्पताल इसी खातून के ज़रिए मुंतकिल किया गया था और वहाँ से जो कपड़े थे वो खून आलूद वो भी इसी कांस्टेबल के ज़रिए तफ्तीशी ऑफ़िसर को दिए गए थे इसके अलावा अदालत ने आइंदा समात पर नक्शा नवीस आमिर शहजाद एस आई मोहम्मद रियाज़ हेड कांस्टेबल फरासत फ़हीम और कंप्यूटर ऑपरेटर मुदसर को तलब कर लिया है आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट नाजन हुई है वो ये हुई है कि खातून लेडी कांस्टेबल अक्सा रानी ने अपने बयान दिए और उसने ये कहा कि जो नूर मुकदम है इसके जिसम के ऊपर तशद्द के निशानात थे वकला ने पूछा कितने निशानात थे इसने कहा कि आठ जख्मों के निशानात थे जिनमें से तीन छाती पर थे चेहरे के ऊपर थे और इसके अलावा जो माथा है इसके ऊपर इस जख्मों के निशानात थे खैर जिरा मुकम्मल हुई उसके बाद जितने भी क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी कि जो मुलज़मान के वकला हैं उनको कापियाँ फ्राहम की जाए एक सौ इकसठ के बयान की इसके अलावा सी सी टी वी फुटिज जो मांगी जा रही है उसकी रिकॉर्डिंग इनको फ्राहम की जाए लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सी सी टी वी फुटेज का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मुलज़मान के वकला को फ्राहम किया जा जाए उसके बाद आज जितने भी दस्तावेज़ा जो बाकी रहते थे जो चलान के साथ सफ़ा मिसल के साथ थे वो आज मुलजमान के वला को फ्राहम की गई जहाँ तक सी सी टी वी की बात है तो वो ट्रांसक्रिप्ट मांगा गया था जो मदई मुकदमा के वकील हैं शखावर उन्होंने कहा जी हम ऑलरेडी तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर चुके हैं जहाँ तक सी सी टी वी की बात है क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट ने इस हवाले से कोई वाजह डायरेक्शन नहीं दी वो ट्रांसक्रिप्ट का कहा गया है वो हम आइंदा पेश कर देंगे जो मुलजमान के वला हैं उनको फ्राहम कर देंगे लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए जो मुलजमान थे उनको भी ये सारी प्रोसीडिंग अदालती कार्रवाई का, का हिस्सा बनाया गया है दो घंटे तक जिरा रही इसके बाद जो केस की समात है इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने तीन नवंबर तक मुलतवी कर दी है आइंदा समात पर जो नक्शा नवीस है आमिर शहजाद एएसआई मोहम्मद रियाज़ हेड कांस्टेबल फ़रासत और कंप्यूटर ऑपरेटर मुदसर ज वो अदालत में पेश होंगे मुलजमान के जो वकला हैं इन चारों गुहां पर जरा भी करेंगे अभी तक इस केस की अगर हम बात करें नूर मुकदम कतल केस में जो चार गुआन हैं उन पर जरा मुकम्मल हो चुकी है आइंदा समात पर भी चार गुहान पर जरा मुकम्मल होगी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वाजह डायरेक्शन है कि आठ हफ्तों के अंदर अंदर इस केस को पाए तकमील तक पहुँचाना है इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग है अदालती कार्रवाई को आठ हफ्तों के अंदर अंदर इस केस को मनतकी अंजाम तक पहुँचाना है अब जो अदालत है यानी कि एडिशनल सेशन जज अता रबानी उन्होंने जो मुलजमान के वला थे उनको ये कहा था कि तीन नवंबर के बाद हम हफ्ते के डेट रखेंगे लेकिन इस दौरान जो अक्रम कृषि थेरापी वर्कस के जो मुलाजमी उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा जी आइंदा हफ्ते तो मैं बिज़ी हूँ उसके बाद हम दो दो दिन के वक्फे के साथ इस जो वकला हैं जो मुलज़मान हैं उनके ऊपर जिरा करेंगे और जल्द अज जल्द इस केस को ख़त्म करेंगे इसका ट्रायल मुकम्मल करेंगे अब तीन नवंबर को देखना है कि जो चार गुहान को तलब किया गया है वो अदालत पेश होते हैं क्या बयान देते हैं क्योंकि जो जरा थी उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चनस किए गए थे जो जितने भी पुलिस वाले जो पेश हुए थे उनसे कहा गया था कि आप वकूवे के वक्त कितने कि, कि, किस टाइम पहुँचे उस वक्त आप कहाँ थे जब आपको कॉल मौसूल हुई इसके अलावा कौन कौन से पुलिस अफसरान जय वकूआ पर मौजूद थे क्या शोकतली मुकदम आपसे कबल जय वकूवा पर मौजूद था या आपके बाद आया था ये वो जरा थी जो आज तकरीबन दो घंटे तक जारी रही क्योंकि अक्रम क्रेशी साहब जो जिर करते रहे जबकि सजाद बट्टी जो जाफर हाउस के जो मलाजमीन हैं उनके वकला थे इसके अलावा जो असद जमाल थे वो असमत आदम जी के वकील थे बशारतुल्ला ज़ाकर जाफ़र के वकील थे और इसके अलावा शहजाद कृषि वो भी थेरापी वर्कस के वकील थे जबकि मदई मुकदमा के वकील शाहवर वो भी आज मौजूद थे ताहम जीरा तकरीबन दो घंटे तक जारी रहने के बाद केस की समात तीन नवंबर तक मुलतवी की गई है अब तीन नवंबर को देखते हैं कि जो चार गुहान को तलब किया गया है उनके बयान भी मुकम्मल होंगे और उनके ऊपर भी जिरा होगी उसके बाद लगता इसी तरह कि इस केस का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़